आज हम लोग सीखेंगे कि विद्युत सेल, खासतौर से प्राथमिक सेल अर्थात लैक्लांचे सेल कैसे बनाया जाता है। उसके लिए कुछ उपकरण यहाँ पर रख रखे हैं, ये कक्षा 8 के बच्चे हैं, जो आज हम लोग विद्युत सेल को बनाना सीख रहे हैं। सब लोग हाँ बेटा, इसमें आप लोग स्टार्ट करें। सेवेंथ में आज हम लोग क्लास 8 में हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, विद्युत सेल। जैसा कि इसको ध्यान से देखो, हमने एक कांच का बर्तन ले रखा है। यस सर। इसमें केमिकल घोल भर दिया है। ये केमिकल घोल है अमोनियम क्लोराइड। yes, क्या है? NH4Cl। इसमें आप देख रहे हैं एक बड़ी छड़ डली हुई है, ये पोरस बोर्ड का बर्तन है। इसके अंदर कार्बन की छड़ होगी जो प्लस का काम करेगा। इसके अंदर एक पतली छड़ है जिंक की है। जिंक की है ये किसका काम करेगा? माइनस का काम करेगा। तो ऐसा समायोजन एक विद्युत सेल की तरह काम करेगा जिससे धारा बहेगी। तो ये सेल बनता कैसे है, आज हम आप लोग प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। जो हमने कहा है वही करते जाना है जिससे ये प्रैक्टिकल कंप्लीट। तो हम एक छात्रा को यहाँ पर बुलाते हैं कि आप इसको बनाएंगे कैसे। आ जाओ बेटा, स्टॉप करो। कैसे बनाते हैं बेटा इस सेल को? ठीक है, कांच या प्लास्टिक का। फिर उसमें हम अमोनियम, उसमें हम एक मतलब डिस्टिल वाटर लेंगे। ठीक है। फिर उसमें हम डालेंगे अमोनियम क्लोराइड। ओके, डाल दिया। फिर हम इसको इसका एक घोल तैयार करेंगे। ओके, फिर अब ये हमारा, तो ये हमारा अमोनियम क्लोराइड का घोल बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारी धारा बहेगी या नहीं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कार्बन की छड़। ओके, ये हमारा धन का काम करेगी। और फिर हम डालेंगे एक जिंक की छड़। अच्छा, ये जिंक की छड़ है। ओके, ये हमारा रेड का काम करेगी। चलो देखते हैं, ये हम हाँ, फिर आगे जो हमारा धन का काम करेगा। एक सेकंड, ये क्या, कौन सा यंत्र है सामने? ये है ग्लोबोमीटर। गैल्वेनोमीटर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? धारा मापी। हाँ। धारा मापी, ये क्या बताएगा कि धारा इसमें बह रही है या नहीं सेल से। हाँ ठीक है, अभी कांटा कहाँ पर है आपका? ये जीरो पर है। चलिए कीजिए, हम धन वाले को रेड में लगाएंगे और ये माइनस वाले को। एक सेकंड। हाँ अब बताओ क्या कर रही हो? तो देखो, तो हमारी धारा, एक सेकंड। हाँ लगाएं। अच्छा, तो इसमें विक्षेप हो रहा है। अच्छा, फिर से हटाओ, एक तार हटाओ। अच्छा, फिर जीरो पहुंच गया, फिर से लगाइए। हाँ टच कराओ, अरे नज़दीक पकड़ लो, करंट नहीं लगता है। अच्छा ये विक्षेप